देखो दोबारा देखिए, हम आज कर रहे हैं सूचना, ठीक है। सूचना के लिए जो सबसे पहली चीज है वो है बॉक्स का बनाना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बॉक्स, नंबर वन इज बॉक्स। नंबर टू हेडिंग, स्कूल या संस्था का नाम। नंबर दो पे स्कूल या संस्था का नाम। नंबर थ्री द हेडिंग, सूचना। नोटिस लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नंबर थ्री। नंबर फोर शीर्षक, जैसे आपको ग्राउंड में मिली हुई घड़ी है, घड़ी आपको कोई हुई मिली है, तो आप हेडिंग क्या देंगे? सूचना का शीर्षक क्या होगा? खोया पाया, लॉस्ट एंड फाउंड। ओके, ये आपका ये हो जाएगा, ये हो गया नंबर फोर। नंबर फाइव आपको आएगी डेट। नंबर सिक्स में आएगा आपका विषय वस्तु। नंबर सेवन पे आएगा हस्ताक्षर। नंबर एट पे नाम। नंबर नाइन पे डेजिग्नेशन, पद। ये नौ हिस्से हैं इसके। ओके, अगर बेसिकली मैं इसे कहूं तो इट इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। कैसे? ऊपर वाला हिस्सा दिनांक इज मस्ट, जैसे लेटर में होता है दिनांक के नंबर अलग होते हैं, विषय वस्तु इज अलग, एंड लास्ट एंडिंग पोर्शन इज डिफरेंट। वी आर हैविंग ओनली 2.5 मार्क्स फॉर वन सूचना। पेपर में हमारे दो सूचनाएं आएंगी ढाई ढाई नंबर की, तो अगर ढाई नंबर की सूचना है तो आधा नंबर स्टॉप का हो गया, आधा नंबर डेट का हो गया, आधा नंबर हस्ताक्षर का हो गया। दो सूचनाएं आती हैं तो डेढ़ और डेढ़, तीन नंबर आपके सुरक्षित हो गए पांच में से। सिर्फ कंफ्लिक्ट रह जाएगा ये दो नंबरों का, ठीक। तो इस तरह आप सूचना की अगर इस चीज को फॉलो करते हैं तो आपका तीन नंबर बिल्कुल सुरक्षित हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले विद्यालय का या संस्था का नाम, विद्यालय का या संस्था का नाम। ओके, देन सूचना हेडिंग, फिर उसमें उसके बाद सूचना का शीर्षक। सपोज आपको कल छुट्टी है, सपोज ना स्कूल ने सूचित करना है आपको, तो ये सार्वजनिक सूचना होगी, है ना। इसको हम पब्लिक के लिए सार्वजनिक सूचना होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सार्वजनिक सूचना हेडिंग होगा। ओके जी, अगर किसी मीटिंग के बारे में आप सूचित करना चाहते हैं कि मुझे हिंदी के स्टूडेंट्स इस डेट को, इस तारीख को यहाँ पे मिले आकर, तो वो क्या होगी, वो क्या होगा, उसका हेडिंग क्या होगा बच्चे? कि मीटिंग की सूचना। फिर मीटिंग की सूचना हो जाएगी। दिनांक फिर बहुत जरूरी है, विषय वस्तु जो भी आप लिखेंगे, हस्ताक्षर। अब ये सूचना किसने निकाली? सपोज मैं कार्तिक को ये जिम्मेवारी देती हूँ कि बेटा आप सूचित कर दो बच्चों को, या मैं निष्ठा को ये जिम्मेवारी देती हूँ कि आप बच्चों को सूचित कर दो कि जो बच्चे अब हिंदी क्लास में नहीं आया करेंगे उनकी कहीं भी प्रेजेंट नहीं लगने दूंगी मैं, तो ठीक है। सूचना, फिर इसी तरह विद्यालय का नाम स्वामी संदास पब्लिक स्कूल, सूचना लिख के, हेडिंग लिख के, फिर सूचना सार्वजनिक सूचना, ठीक है। या क्या कहेंगे हम, उपस्थिति की सूचना। दिनांक, आप सभी बच्चों को ये सूचित किया जाता है कि हिंदी कक्षा में ना आने वाले बच्चों की क्या कहते हैं, अटेंडेंस को क्या कहेंगे हम, कि उपस्थिति दूसरे विषयों में भी अंकित नहीं की जाएगी, ठीक है। हस्ताक्षर, जिसने सूचना दी, नाम, जैसे हस्ताक्षर निष्ठा के हो जाएंगे या कार्तिक के हो जाएंगे, नाम उनका फुल नेम हस्ताक्षर के बाद, और डेजिग्नेशन यानी वो हिंदी फैकल्टी का सचिव होगा। सचिव होता है इंचार्ज, वर्ड है सचिव, सचिव इंचार्ज ऑफ दैट फैकल्टी। ओके, क्लियर बच्चे? अपने आप को अनम्यूट करके थोड़ा सा बताइए कि इज इट क्लियर टू यू ऑल। यस मैम, हाँ, दक्षिता ने हाथ यस उठा मैम। लिया। दक्षिता कुछ पूछना है बेटा? मैम, अगर कोई भी विषय आया तो सूचना का शीर्षक खोया पाया लिखेंगे हमेशा।
सूचना नहीं 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 कोई भी विषय कैसे आया, जैसे मैंने अभी बताया बेटा आपको मीटिंग की सूचना है, तो मीटिंग की सूचना क्या होगा यहाँ पे, मीटिंग की सूचना, मीटिंग हेडिंग चेंज हो जाएगा, सार्वजनिक सूचना पब्लिक के लिए सूचना, सूचना का मतलब जो आपको विषय होगा उसी को आप लिखेंगे। खोया पाया तो सिर्फ घड़ी खो जाने के कारण था कि घड़ी किसी की खोई हुई मिली है या पाई हुई मिली है। तो ओके अब मैम, आप लोगों को सेल की सूचना देना चाहते हैं कि सेल लगी हुई है यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की, तो आप सूचना में खोया पाया थोड़ा लिखेंगे, है ना, वहां तो लिखेंगे सेल, सूचना का शीर्षक होगा ओके मैम, सेल ना, ऊनी वस्त्रों की सेल या किसी और चीज की सेल, मतलब सूचना डिपेंड्स। अब आप गुमशुदा की तलाश देना चाहते हैं, सूचित करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति इस ड्रेस का, उसने ये ड्रेस पहनी हुई है, ये खो गया है, तो वो सूचना जो है वो खोया पाया में आएगी। इन कंटेंट्स को यू कैन हैव स्क्रीनशॉट, इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो सूचना आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। ठीक है बच्चे, इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी सूचना बहुत सरल हो जाएगी। लाइट हैज गॉन, अभी आ जाती है लाइट, तो उसके बाद शायद बोर्ड क्लियर हो, शायद नहीं है इस समय आपको क्लियर, मुझे तो बिल्कुल अंधेरा लग रहा है, कुछ हाँ कुछ नहीं दिख रहा फिल्म में नहीं नजर आ रहा ना। ना। अब इस तरह की सूचनाएं देखिए, जैसे हम बहुत सिंपल शुरू करते हैं, सिंपल शुरू करते हैं सूचना, पहली सूचना यही देते हैं कि घड़ी खोई हुई मिली आपको, ठीक है, घड़ी एक मिली हुई घड़ी की सूचना देते हुए आप ओके राइट डाउन द टाइटल ऑफ द सूचना लिखिए, आप लिखिए राइट डाउन, आप कक्षा कक्षा नौवीं के भवन पब्लिक स्कूल के छात्र हैं, भवन पब्लिक स्कूल के छात्र हैं, आपको खेल के मैदान में एक घड़ी मिली है, आपको खेल के मैदान में एक घड़ी मिली है, इसके लिए एक सूचना पत्र तैयार कीजिए, इसके लिए एक सूचना पत्र तैयार कीजिए, अभी लिखेंगे एंड यू विल शेयर इट विद मी, अभी आप मुझे स्क्रीन पे दिखाएंगे, अपनी शक्ल ना दिखाइए लेकिन मुझे ये लिख के दिखाएंगे, मुझे सबसे पहले ऊपर विद्यालय का नाम, इट शुड बी, मैंने आपको लिखवाया भवन पब्लिक स्कूल, उसके बाद इसी तरह सूचना, नोटिस को तो नोटिस ही लिखना है, ये तो एज इट इज रहेगा, तीसरी लाइन में आएगा खोया पाया, नेक्स्ट लाइन आएगी लेफ्ट हैंड साइड पे दिनांक, और आज का दिनांक है 3.2.22, मैं लिखवा रही हूँ, सपोज कर लीजिए डिक्टेट करवा रही हूँ आपको, ओके आप लिखेंगे आगे विषय वस्तु में, आप सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि को छुट्टी, आप सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि मुझे में ब्रैकेट में आप अपना नाम देंगे, डोंट राइट योर ओरिजिनल नेम, ठीक है, मुझे खेल के मैदान में एक घड़ी मिली है, खेल के मैदान में एक घड़ी मिली है जो नीले रंग की है, जिसकी भी घड़ी खोई हो
वह मुझे संपर्क करे, मुझे संपर्क करे। नीचे आप अपने सिग्नेचर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और नाम लिखेंगे अपना जो आपने ऊपर लिखा ब्रैकेट में और नीचे कक्षा नौवीं, क्योंकि मैंने ऊपर नौवीं कक्षा लिखवाया आपको, आप नौवीं कक्षा के छात्र हैं। जो पेपर में दिया हुआ है आपको वही लिखना है, ये नहीं कि हम दसवीं में हैं हम नौवीं क्यों लिखें, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आपको नौवीं दिया है तो आप नौवीं लिखेंगे, आपने आपको दसवीं दिया हुआ है तो आप दसवीं लिखेंगे, आपको जो दिया हुआ है बेटा आप उसी को लिखेंगे। ओके जी, ठीक है बच्चे, डन विद दिस? यस मैम। हाँ बोलिए, कुछ पूछना है और? ओके एक और टाइटल लिखिए मैम। हाँ जी बोलो रोहानी, बोलो मैम इसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था बेटे खोया पाया, घड़ी खोई है ना, घड़ी मिली है आपको पाई हुई, खोया पाया, खोया पाया। और मैम सिग्नेचर हम आपके, अरे आप कुछ भी सिग्नेचर, सपोज आप अपना नाम लिख रहे हैं सपोज सचिन, ठीक है, तो ये सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे सचिन, सचिन बंसल, या फिर जो दिया हुआ हो वहां पे नाम कौन सा दिया था, कोई नाम नहीं दिया हुआ था, ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देंगे कक्षा नौ, ऐसे दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके सिग्नेचर इस तरह बस, अब यहाँ पे आप पद नहीं लिख सकते ना, क्योंकि आप सिंपल स्टूडेंट हैं, आपको कोई हुई मिली है तो आपने सूचना लगाई है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक लिखना है बच्चे उसका लिखिए टाइटल, जो आज एक और करेंगे वो है आपके विद्यालय में नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, नृत्य प्रतियोगिता, आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस केवी में जो कॉम्पिटिशन्स थे काफी ज्यादा, आपको मालूम है टेंथ के बच्चों को मालूम होगा, हिंदी पोएट्री गई थी एंड वी स्टूड फर्स्ट इन दैट नैना, ठीक है, हिंदी पोएट्री में फर्स्ट आई है वो, निष्ठा जो पोएट्री थी निष्ठा को तो मालूम है, यू नो इट। यस मैम। हाँ आई हैव रिटन दैट पोएम, अगर आप चाहेंगे तो आपको ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी, मैंने लिखी है पोएम नैना की बनी हुई जो थी वो मैं शेयर कर दूंगी आपको, नैना ने बोली हुई है जो हमारी फर्स्ट आई है। ओके तो बच्चे, हाँ ओके मैम, यू लॉस्ट दैट चांस ना, पर चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान में रखूंगी मैं हमेशा। तो बच्चे क्या है, आपके विद्यालय में नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, आप सांस्कृतिक कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, ये टाइटल में लिखा होगा, ये कहाँ काम आएगा मैं बताती हूं आपको, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, एक सूचना पत्र तैयार कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, करेंगे आप अपने आप विद्यालय का नाम जो मैंने नहीं दिया, सूचना इसी तरह लिखेंगे, यहां पे क्या आएगा नृत्य प्रतियोगिता, हेडिंग आ जाएगा नृत्य प्रतियोगिता। ओके दिनांक इसी तरह, विषय वस्तु आप लिखेंगे। अब देखिए आपने कोई कॉम्पिटिशन अनाउंस करना है, उसके लिए जगह समय है ना, और किसको आपको ये नाम जमा करवाना है, ये तीनों चीजों के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। जैसे इसका विषय वस्तु होगा कि ये प्रतियोगिता स्कूल के हॉल में आयोजित की जाएगी और इसका आयोजन आप आगे की डेट देने का 3rd है 14 फरवरी को
किया जाएगा, है ना। तो भाग लेने वाले बच्चे अपना नाम मुझे दे सकते हैं, मुझे लिखवा सकते हैं। ओके, ये हो जाएगा, हस्ताक्षर आपके हो जाएंगे, नाम आपका हो जाएगा, डैश 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 नाम लिख लीजिए, कोई जरूरत नहीं नाम लिखने की, डैश नाम, पद आपका हो जाएगा सांस्कृतिक कार्यक्रम का अध्यक्ष या अकेला अध्यक्ष, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अध्यक्ष लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये आप कर लेंगे आज, सूचना एक ये और हो जाएगी। होपफुली आपको समझ आया, और इस समय 15 बच्चे 14 बच्चे हैं सिर्फ।